वेलकम टू द क्रिप्टो इन मून। आज की अपडेट DYDX की होने वाली। इसके अंदर इतना बेहतरीन सिग्नल बन रहा है कि आप आराम से 1000% का प्रॉफिट ले सकते हो। बस आप अपने भाई पे ट्रस्ट करना। मैं आपके लिए 4 आवर 1 डे 1 वीक इसी टाइम फ्रेम देखता हूँ जिस पे आपकी ट्रेड हमेशा एग्जैक्ट रहती है और हमेशा एग्जैक्ट रहती है। अगर आप इस वीडियो को 10 महीने बाद सॉरी गाइस 1 महीने बाद या 10 दिन बाद भी देखते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हाई टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ आपके प्रॉफिट के लिए। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट अपडेट क्या होने वाला है देख सकते हो। बखूबी ये $2 को टच करके वापस डाउन आया है। इसको मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आगे की इसकी अपडेट भी बहुत अच्छी होने वाली है। एग्जैक्ट आपका प्रॉफिट होने वाला है इस ट्रेड के अंदर। अब हम इसको वीकली पे टाइम फ्रेम पे पुट करते हैं। अगर चलो मैं भी आपके लिए एक टारगेट बनाता हूँ। अगर यहाँ से बना था डबल बॉटम लेकिन इसने यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया, वरना इसके अंदर एक ऐसी ट्रेड बनती कि आप 1000% प्रॉफिट बनाएंगे। आज के लिए भी आपके लिए एक बेस्ट ट्रेड बनेगी इसके अंदर। आज से ही ले लो या थोड़े दिन वेट कर सकते हो। डबल बॉटम और डबल टॉप भी बन चुका है। टॉप की वजह से मार्केट नीचे आया है। अब ट्रिपल बॉटम बना के यहाँ से एग्जैक्टली अच्छा सा बूम करना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम इसको $7 तक जाना चाहिए। अब इसको मैं अभी के लिए कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि आपको मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ। आपको अपनी चार्ट में आपको यहाँ पे ड्राइंग पे टैप करके ओरिजिनल लाइन पे टैप करके आपको 1.170 पे 70 या 171 पे आपको एक अपनी ट्रेंड लाइन पुट कर देनी है, जिससे आप अपनी प्राइस का एग्जैक्ट टाइम फ्रेम देख सकते हो। अब यहाँ से नीचे डाउन नहीं होने चाहिए। अभी के लिए आपको इसको वेट करना है अपना पिछला ऑल टाइम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आपको लॉन्ग की एंट्री बिल्कुल ही बखूबी लेनी है। $2 तक लेनी है, लेनी है तो $2 तक लेनी है। मे भी बहुत प्रॉफिट बनाना है, ना कि छोटा मोटा प्रॉफिट बनाना, हाई प्रॉफिट बनाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लॉन्ग की ट्रेड बनेगी अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो, नीचे ब्रेक होता है तो आपको बहुत ही बड़ी शॉर्ट की ट्रेड मिलेगी।